सॉलिड इन लिक्विड। डेफिनेशन मैंने बता दी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दिया था मैंने। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में फैक्टर्स अफेक्टिंग हम पढ़ रहे थे। पहला फैक्टर मैंने पढ़ लिया था नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ लिया था। म्यूट कर लेंगे अपने आपको ऊपर। नेक्स्ट नोट करना आगे, टेम्परेचर फैक्टर। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता सिंपली, कल मैंने जो पढ़ाया है, ऑयल एंड वाटर मिक्स क्यों नहीं होते, व्हाई ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स एट ऑल? सो क्योंकि वाटर सर पोलर ऑयल है, नॉन पोलर है नॉन और वाटर वाटर पोलर पोलर है है। और नॉन पोलर। बस एक लाइन आता है, वाटर नॉन पोलर, वाटर पोलर, ऑयल नॉन पोलर। सिंपल वर्ड्स में, वाटर पोलर, ऑयल नॉन पोलर, पोलर। अच्छा, अब हम करेंगे नेक्स्ट फैक्टर। कल हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड में नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या कह रहे हो? प्लीज बताना टेम्परेचर मेरे फैक्टर। देखो सर, को जैसे मैंने सॉलिड को, वो सॉल्यूट को समझते हैं। वो डिसॉल्व सर किया भेजो लिक्विड के अंदर, फोटो भेजो, ये तो मुकुल लिंक मुकुल कर लेना भेजो। पे आपको। सर मेरा बंद है स्मार्टफोन का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या आएगा, सॉल्यूशन, सही ना? और प्लस हीट करेंगे इधर तो डिजोल्व होगा, जैसे शुगर को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। क्लियर, शुगर को जैसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव सॉल्यूशन। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, डिसोल्यूशन। और जब रिवर्स रिएक्शन होगी तो उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। कल मैंने इसका मीनिंग समझा दिया तुम्हें, है ना, क्रिस्टलाइजेशन। तो अब इसमें बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर सर इंक्रीज तुम खुद होगी तो क्योंकि एंडोथर्मिक। इंक्रीज, तुम सर बिल्कुल इंक्रीज खुद होगी। अपने तरीके से, अपने तरीके से सोच के देखो। अगर मैंने नमक को पानी में डिजोल्व किया, मैं जितना हीट करूंगा नमक उतना डिजोल्व होगा, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट और एनी जैसे शुगर विच डिजोल्व विद एंडोथर्मिक इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि ये कैसे डिजोल्व कर रहा है, एंडोथर्मिक इफेक्ट से। और कोई भी सब्सटेंस अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिजोल्व होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। ये लाइन याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, व्हाई इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज सॉल्ट डिजोल्व विद एंडोथर्मिक इफेक्ट। सॉल्ट डिजोल्व विद एंडोथर्मिक इफेक्ट, सो इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सही ना, ये लाइन याद रखनी है, भूलना नहीं है उसको बिल्कुल भी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज इट डिजोल्व विद एंडोथर्मिक इफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है, जैसे इसके कर्व्स जो है, कर्व्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, कर्व्स ध्यान देना है इसमें। सॉल्युबिलिटी वर्सेस सम, सबने पढ़ा होगा ये, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, सारा किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कोई भी कर्व तुम चेक कर लो, जैसे अगर मैंने कर्व ले लिया, सपोज केसीएल का इंक्रीज करेगा, एनएसीएल का इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, NH4Cl तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, इन्हें बोलते हैं कंटिन्यूस कर्व्स। AgNO3 है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। KI है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। रीजन क्या है, KCl है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्या रीजन है इसका, बिकॉज ऑल दीज आर, दे आर डिजोल्विंग विद एंडोथर्मिक इफेक्ट। ये कैसे रिजोल्व कर रहे हैं, विद एंडोथर्मिक इफेक्ट। बस दो स्पेशल केस याद रखते हैं, मैंने मेंशन किया होगा, लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, याद है कि नहीं है? लिथियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, सीरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज दे डिजोल्व विद, किस वजह से डिक्रीज कर रही होगी, सर एक्सोथर्मिक इफेक्ट से एक्सोथर्मिक। खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल कर्व्स थे, दो एक्सेप्शन केसेस मैंने बता दिए इसके अंदर। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व देखेंगे, ये पढ़ाया ना सबने? यस यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अभी तक इसमें ना क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है पूछने के, जो मैंने भी बताया ना इसमें। इसमें मेन जो क्वेश्चन आना है वो ग्लोबल सॉल्ट से रिलेटेड आना है, ग्लोबल सॉल्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मैं लेता हूँ से NaNO3, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, KNO3 है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ये भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है जो मैंने पीछे बताया तुम्हें। अगर मैं लेता हूँ ग्लोबल सॉल्ट, इसको स्पेशल केस में लेंगे, ग्लोबल सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है फिर बाद में कम होती है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर, विच इज 32.4 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2। चलो कौन बताएगा इसका आंसर, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ी क्यों 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, बाद में कम क्यों हुई?
ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उसके बाद एक्सो से क्यों डिजोल्व हुआ, क्या रीजन उसका? सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो गया। हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो गया होगा और साथ में ये एक्सोथर्मिक बन गया होगा। साथ में ये आप डिसॉल्व कैसे कर रहा होगा, एक्सोथर्मिक इफेक्ट से। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करने पर लॉस्ट हो गया होगा, तो अब हो सकता है ये एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व हो गया होगा, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। ये रीजन हो सकता है इसका। तो मेन क्वेश्चन यही आना है, व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर। तो रीजन वही है, पहले ये एंडोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व कर रहा था 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ये अब एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व करने लगी, इसलिए ऐसा हुआ है। और ऐसे ही जैसे और सॉल्ट की बात करें, किसी और सॉल्ट की बात करें, जैसे मैंने लिया अगर CaCl2+6H, बता रखा ना ये भी, यस सर, पहले बड़ी डिसकंटीन्यूअस कर्व है लेकिन बढ़ रही, यहाँ पे CaCl2+6H2 हो रहा होगा, फिर कितना हो गया होगा CaCl2+4H2, फिर CaCl2+2H2। तो इस वजह से ऐसा रहा होगा कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारे एक साथ लूज नहीं कर रहा, स्टेप वाइज लूज कर रहा है, इसलिए इसका कर्व इस तरह चलता है, डिसकंटीन्यूअस कर्व, समझिए कि नहीं है। और ऐसे ही FeSO4.7H2, इसके पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज करती है इसमें भी, समझिए कि नहीं है। ये yes, बहुत स्पेशल केस है, हाँ ये काफी स्पेशल केस है, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन रहते भी हैं तब भी ये वाटर हीट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, .4H2 बचता है तब भी डिक्रीज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस तुम्हें मेन ध्यान रखना है ग्लोबल सॉल्ट का केस, इसको नहीं भूलना। ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे तो यही पूछेंगे, और डिटेल कोई नहीं पूछेगा इसमें। तो ये तुमने पढ़ लिया है अभी तक, बताया है भी नहीं पूछेंगे, नहीं चांसेस कम है। हाँ ये याद होगा किसी को, वो याद करने में केसेस में आ गया, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो चांसेस हैं, अदरवाइज ये ऐसे केसेस नहीं पूछे जाते। बस ये बात अब ध्यान रखना है, मैंने अब तक जो पढ़ाया है उसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस विद राइज इंक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर, क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व्स विद एंडोथर्मिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन जरूर दिखानी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट विद राइज इन टेंपरेचर, वो डिटेल डिस्कस करनी है। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए कि नहीं? यस सर, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करने हैं। फिर तुम्हें मैंने इधर यहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, सबको पता है ना ये? यस सर, लेक्चर में करा दिया। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड जिसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड यानी जिसके अंदर हमने हीट करके एक्स्ट्रा सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ये पढ़ लिया ना सबने? यस सर। हाँ, और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे, रीजन क्योंकि सॉल्ट्स होती हैं सॉलिड, सॉलिड पे प्रेशर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इस वजह से प्रेशर का इफेक्ट हम यहाँ चेक नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कोई डाउट? नो सर। चलो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड नोट करेंगे, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सही ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले तो वही डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन वही होगी ना, अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्वड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर एट एसटीपी, एट एसटीपी 1 सेंटीमीटर, हां 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट के अंदर जो गैस डिसॉल्व होगी एट ए गिवन टेंपरेचर, वो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या डेफिनेशन आएगी इसकी, amount of gas dissolved in 1 centimeter cube of solvent at a given temperature, ha maximum amount of gas which can be dissolved in a in 1 centimeter cube of solvent at a given temperature and 1 atmosphere pressure। to ye simple si definition hai iski, next note karna hai iska, iske andar factors affecting, sahi na, factors affecting, aur pressure badhayenge to solubility badhegi, factors affecting kon kon se factors hai jo affect karenge, pressure and temperature, nature, फर्स्ट फैक्टर इज, पहला तो नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, प्रेशर, टेंपरेचर। हाँ, नेचर ऑफ गैस में ध्यान रखना, हम बोलते क्या है कि जितना, याद करने का तरीका क्या है,
कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा गैस का, वो ज्यादा डिजॉल्व करेगी। जैसे मान लो मॉलिक्यूल ये मैंने H2 गैस के दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये H2 का, एक ये, पानी में डालने पर ज्यादा पास तो नहीं आएंगे, पानी में डालने पर इतना पास आ गए, ठीक है। लेकिन अगर CO2 गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी बड़े हैं, इतने पास हैं, पानी में डालने पर क्या होंगे, और पास आ जाएंगे, समझे कि नहीं है। तो इसलिए जितना मॉलिक्यूल मास ज्यादा होगा या जितना साइज बड़ा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा होगी, यानी जितने ज्यादा वर्नल फोर्सेस होंगे उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी, उतना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे वो सॉल्वेंट के साथ, उतना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेंगे सॉल्वेंट के साथ, और उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक लाइन में बोले तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, 99.9% केस में यही होगा। बस H2 और हीलियम में उल्टा हो जाता है, देखो H2 है हीलियम, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, H2 की ज्यादा है। रीजन क्योंकि इसमें दो एटम है ना, दो एटम है तो सरफेस एरिया थोड़ा फैल जाएगा, तो वर्नल फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, इस तरह से मान सकते हैं। इसमें एक ही एटम है, अदरवाइज इन जनरल हम क्या बोलते हैं, जिस गैस का मॉलिक्यूल मास ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पोलर नेचर जरूर चेक करना है, पोलर नेचर वगैरह चेक करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पोलर नेचर देखना है कि पोलर है कि नहीं गैस, पोलर होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, पोलर होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंपॉर्टेंट लाइन मतलब बोलेंगे कि ये जैसे CO2 गैस ज्यादा सॉल्युबल क्यों है देन हीलियम गैस, किस वजह से, तो हम बोलेंगे इसका टीसी पेपर में जब लिखेंगे तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है इसका, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कैसे, जैसे मान लिया मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है सबको पता ना, ये टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बनाने से, गैस जिस गैस के ऊपर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशराइज कर ले। जैसे इसका होता है 30.98 डिग्री सेल्सियस CO2 गैस का, इस टेम्परेचर के ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लो CO2 गैस को, ये कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वेपर्स की फॉर्म में रहेगी, गैस की फॉर्म में रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, More easily it will get liquefied. More easily it will liquefy. So, you know, ऐसी gases जो react करती हैं effectively with the solvent, और gases which liquefy more readily are more soluble. दोनों लाइन याद रखना, gases which react easily with the solvent, सही ना, और gases, ये लाइन important है, gases which liquefy more readily, ऐसी gases जो liquid में जल्दी convert हो जाती हैं, यानी जिसका critical temperature ज्यादा है वो liquid में convert जल्दी होंगे, कोई doubt? No, sir. इसका मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको बताया होगा, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर बोलेगा। SO2 CL2 HCl, हाँ चलो इसी में बताओ आंसर, क्या आंसर आएगा, ये अनन्य आंसर बोलो उसका, SO2 CL2 HCl, ऋषि तू बोल आंसर। सर SO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl होगा, फिर CL2 होगा, रीजन SO2 पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, SO2 है फिर CL2 फिर HCl है, SO2 फिर CL2 फिर HCl, अगर अमोनिया दे देता ना, SO2 पोलर है, मास इसका 64 है, CL2 का मास बहुत ज्यादा है ना 71, HCl का 36.5 है, ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि अमोनिया के अंदर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मास 17 है सिर्फ इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, आंसर देख के रीजन बन जाता है इसका, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल है ना ये, कहीं मैं मास देख रहा हूँ, कहीं मैं क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहा हूँ, पोलैरिटी भी देख रहा हूँ, तो ये आंसर देखकर रीजन बनता है इसका, SO2 CL2 NH3 फिर HCl, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कराया हुआ, इसको कर लेना जरूर। अब दूसरा दूसरा फैक्टर देखेंगे, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसे मैंने क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करने पे, सॉलिड इन लिक्विड में मैंने क्या बोला, तुम्हें एग्जांपल दिमाग में रखनी है कि सॉल्ट इन वाटर की एग्जांपल दिमाग में रखनी है, तो इसमें एग्जांपल किसके दिमाग में रखेंगे, गैस कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स होती है ना, सोडा वाटर बॉटल जो होती है उसको दिमाग में लेके आएंगे, जब जब बॉटल ठंडी होती है तो गैस ज्यादा फील होती है और
अगर हल्का बहुत भी टेम्परेचर क्या है, हाई है, टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस कम फील होती है, पता है ना ये? यस सर। इसका मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग विद राइजिंग टेम्परेचर। क्लियर? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग विद राइजिंग टेम्परेचर बिकॉज गैस डिसॉल्व विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। तो ये लाइन लिख के आनी है क्वेश्चन अगर आता है, गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स गैस डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट प्लस हीट, गैस डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट प्लस हीट। Since gas is dissolving with evolution of heat, with that is it is dissolving with exothermic effect, and exothermic processes are favored by low temperature. इसलिए इसकी solubility क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी with rising temperature. और यहाँ याद रख लेना, हाँ decrease कर जाएगी, और यहाँ याद रख लेना एक term होती है Henry's constant. उसका reason यही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ Henry's constant KH. ये हर एक gas के लिए different होता है, सही ना? हर एक gas के लिए different होता है Henry's constant. तो जिस हेनरीज कांस्टेंट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है सॉलिबिलिटी के इन जनरल। तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी कि कम होगी विद राइजिंग टेम्परेचर? बढ़ेगी, बढ़ेगी। ये याद ना, व्हाट ये क्वेश्चन आता है, एक तो ये सबको पता ही है व्हाट हैपेंस टू सॉलिबिलिटी विद राइजिंग टेम्परेचर, वो डिक्रीज करेगी, गैस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। व्हाट हैपेंस टू हेनरीज कांस्टेंट विद राइजिंग टेम्परेचर, तब आंसर क्या लिखेंगे? What happens to Henry's constant with rising temperature? It increases as Henry's constant is inversely proportional to solubility of gas. पूरा solubility वाला पूरा reason लिखने के बाद ये लिख देंगे। It increases with rising temperature because solubility is decreasing as gas is dissolving with exothermic effect. कोई doubt किसी को? जिसने सब पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ कि थ्योरी बहुत ढंग से याद करके रखो, कि ये तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है या आईआईटी का पेपर है, फिर मैं यहाँ पे करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स हम ज्यादा कर सकते हैं, चैप्टर सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं, पेपर कर सकते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा होगी न्यूमेरिकल्स की, इसीलिए पहले से पढ़ के रखा करो जरूर। अच्छा अभी ये समझ आ गया सबको। अच्छा नेक्स्ट है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्वेटिक लाइफ है, ये क्वेश्चन सब किया होंगे, सबने किया होगा, एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल कब होगी, विंटर में कि समर में? विंटर में, विंटर्स में। हां रीजन क्या है इसका? विंटर्स में होगी सर, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है विंटर में क्योंकि टेंपरेचर कम होता है, डिसॉल्व होएगी वाटर के, टेंपरेचर कम तो ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन वाटर इज कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, हाई होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन इज मोर, इसलिए क्या होगा विंटर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा और एक्वेटिक लाइफ के लिए परेशानी कम होगी। बिल्कुल, तो इसलिए एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी विंटर के अंदर क्योंकि O2 भी ज्यादा होगा और CO2 भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना चीज का, है ना? जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए होता है CO2 वगैरह, तो इसलिए O2 CO2 दोनों का अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, इस वजह से एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी विंटर में देन इन समर। तो नेक्स्ट नोट करना है, अब फैक्टर है प्रेशर, प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें आ जाता है हेनरीज लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। हाँ ध्यान रखना हेनरीज लॉ इसमें आ जाता है, मास से रिलेटेड डायरेक्ट है ये, मास से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्वड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्वड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure of the gas above the solvent, is directly proportional to the pressure of the gas above the solvent. M is proportional to P, M is equal to aagaya KH into P, so M1 by M2 is equal to P1 by P2. तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ यहाँ पे मान लो 4 ग्राम गैस डिजोल्व हो रही है, 4 ग्राम गैस डिजोल्व हो रही है से 100 mm प्रेशर पे, 100 mm प्रेशर पे 4 ग्राम कोई गैस डिजोल्व हुई, तो मान लो मैंने प्रेशर कर दिया 400 mm, तो गैस कितनी डिजोल्व होगी? 16 कर लेंगे ना, 100 में से 16, यस सर 16 100 में से कर लेंगे ना, यस सर। हां तो ये ध्यान रखना इसका, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, मास से रिलेशन डायरेक्ट आएगा तो ही ये फार्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें अपना पूरा क्या करना है, एडवांस हेनरीज लॉ, सही ना? हेनरीज लॉ को जो एडवांस फॉर्म है उसने क्या बोला था कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा XA, तो पीए क्या आ जाएगा, के ए इंटू एक्स ए,
ये यहाँ पे गैस है कोई, और x से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, x से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन, समझे कि नहीं है? ये एडवांस हेनरी लॉ है, पीए क्या है प्रेशर एट विच गैस इज डिसॉल्वड, के क्या है हेनरीज कांस्टेंट ऑफ द गैस, और x से मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैस। अब इसमें क्या है ध्यान रखना इस चीज का कि यही फॉर्मूला यूज होगा पीए इक्वल टू के इनटू x से, और इसका कर्व मैं कहूंगा तो कर्व भी पीए डायरेक्टली इक्वल टू x से है, तो कर्व भी पीए वर्सेस x से क्या बन जाएगा, पीए यहां गैस का और यहां पे x से, और इसका ओरिजिन से पास होगा इसका स्लोप है के, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हां अब ये ध्यान रखना इसके अंदर कि यहां टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, पीए क्या है प्रेशर एट विच गैस इज डिसॉल्वड, के क्या है हेनरीज कांस्टेंट, और x से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब यहां पे एक चीज रखना कि बहुत रेयर केसेस में ना फॉर्मूला हम ये भी दे देते हैं कि x से प्रोपोर्शनल टू पीए तो होगा k into p है। हां तो ध्यान रखना ये यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन बता रखा है मैंने पूरा ये। यस सर, कि इस फॉर्मूले के अंदर बार इनवर्स होता है और पहले वाले के अंदर सिर्फ बार होता है। बहुत अच्छे ऋषि, k यहां पे होगा बार के अंदर, और हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है ध्यान रखना इसके अंदर कि k यहां पे इंक्रीज करेगा विद राइजिंग टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इस केस में के क्या कर जाएगा, अगर इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखूं तो इसमें के क्या कर जाएगा, इस केस में के डिक्रीज करेगा विद राइजिंग टेम्परेचर, समझिए कि नहीं है, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये ध्यान रखना इस चीज का, इनमें भी इफेक्ट आ जाएगा, तो ये इसको भूला नहीं बिल्कुल भी। ये हेनरीज लॉ जो था, हेनरीज लॉ ही है लेकिन एक्सप्लेन किया था डाल्टन ने। ये बातें समझ आ गई सारी कि नहीं, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना कुछ? पीए इक्वल टू के फॉर्मूला, के एक्स से फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया सर। हाँ ये ध्यान रखना चीज का कि अगर मान लो प्रेशर में, मैं लिख रहा हूँ दोबारा फॉर्मूला इसका, पीए इक्वल टू के इनटू एक्स से, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को कर दूं फिक्स, प्रेशर को क्या कर दें कॉन्स्टेंट कर दें, प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दें तो जो, और के होता है कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अगर इंक्रीज कर देता हूँ के एट फिक्स्ड प्रेशर, इफ के इज इंक्रीज तो एक्स से डिक्रीज करेगा। यस सर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एक्स से डिक्रीज करेगा मींस सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। इसलिए हायर के ए का मतलब होता है लेसर सॉल्युबिलिटी, हायर के ए का मतलब क्या है, लेसर सॉल्युबिलिटी। कोई डाउट सर? जो दूसरा फॉर्मूला x is equal to p n to k, इसके अंदर k बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना? हाँ, उसमें उल्टा हो जाएगा ना फिर। Yes, okay. हम इन जनरल पढ़ते हैं तो यही बताना, तो मैं उसको भूल जाना बिल्कुल, वो तो बहुत रेयर केस में आएगा। मतलब इसमें के की यूनिट बार में है ना, जैसे मैंने बोला के फॉर सीओ टू, के फॉर सीओ टू सबको पता भी होगा 1.67 किलो बार होता है, के फॉर सीओ टू इज 1.67 किलो बार। के फॉर हीलियम ये होता है हमारा 4.97 किलो बार, 145 किलो बार है ना, 145 किलो बार के आसपास ये इतना होता है, और ऑक्सीजन के लिए के होता 35 के आसपास। तो मैंने बोला सॉल्युबिलिटी में अरेंज करो तीनों गैसेस, CO2 को, हीलियम को और O2 को, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी किलो बार में है सारी, के जिसका सबसे कम होगा CO2 की, सबसे हाँ CO2 का CO2 की सबसे ज्यादा, उसके बाद O2 की, फिर हीलियम की। अगर मैं ये वैल्यूज ना भी देता तब भी आंसर निकाल लेते कि नहीं, तीनों के तीनों गैसेस मॉलिक्यूलर है ना, तीनों के तीनों गैसेस क्या है नॉन पोलर, तीनों गैसेस नॉन पोलर है, तो इसलिए जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। हाइड्रोजन हीलियम का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का मास 2 ही है, हीलियम का मास 4 है, तब भी हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, दो एटम है उसके अंदर, इसलिए। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। हाँ तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, और एक एक दो बार कुछ, जैसे मैंने पीए वर्सेस एक्सए का कर्व बोला ना, पीए वर्सेस एक्सए का, तो कई बार कर्व ना थोड़ा चेंज करके भी जेई मेंस ने पूछे हुए हैं कि एक्स से क्या होता है मास नंबर मोल्स ऑफ, जैसे हीलियम या ए ले लो, नंबर मोल्स ऑफ ए बाय नंबर मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर मोल्स ऑफ बी,
तो इसमें कर्व किसी और के रेस्पेक्ट में पूछ लेते हैं, जैसे मैंने पी ए वर्सेज एक्स से बोला ना, इसको ओपन करके बोलेगा कर्व बनाओ विद रिस्पेक्ट टू नंबर मोल्स ऑफ बी, इस तरह से कुछ बोल देगा। तो एक चीज को नेगलेक्ट करके फिर निकालना तुम्हें आंसर। तो कई बार कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, जैसे पी ए वर्सेज एक्स से बोला मैंने, तो पी ए वर्सेज बोलेगा एक्स बी के वर्सेज कर्व क्या बनेगा, एक्स बी, एक्स बी यानी सॉल्वेंट है जो। तो तुम क्या करोगे, पी ए टू क्या लिखोगे, के मतलब किसी भी तरीके से कर्व पूछ सकता है, एक्स को क्या लिख दोगे, वन माइनस एक्स बी, बना लोगे कर्व की नहीं। नहीं बना पाओगे, यहां से आ जाएगा ना पी ए टू क्या आ गया, के ए माइनस ये बना, अब वाई जुड़ा वाई ये रहा, ये एम, ये एक्स, वाई जुड़ा माइनस एम एक्स है प्लस सी, बन जाएगा कर्व की नहीं ये। यस सर। हाँ तो ये स्लोप नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से, ये वाई इंटरसेप्ट होगा के ए और स्लोप इसका माइनस के ए, स्लोप क्या होगा माइनस के ए, ये पी ए वर्सेज एक्स बी का कर्व है। नहीं समझ आया, तो ये जरूर जानना कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कर पूछ रहा है कि सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, गैस के रेस्पेक्ट, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। कोई डाउट इसमें किसी को, चलो हेनरी लॉ की कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या है इसकी, गैस जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए और प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, ऐसा ना हो कि गैस ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई फॉर हेनरीज लॉ बी टू बी ओबेड इफेक्टिवली, सही ना, ये ध्यान रखना चीज का, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, कि गैस ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन, कोई भी गैस का कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो हेनरी लॉ कम एप्लीकेबल होता है, जैसे NH3 गैस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि NH3 plus H2O क्या बन जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड NH4OH जो कि पार्शियली डिसोल्व करेगा आयंस के अंदर, नाउ इट इज नो मोर ए गैस, तो हेनरी लॉ कहेगा कि अमोनिया के लिए वैलिड क्यों नहीं है, तो ये रीजन आता है इसका। HCl के लिए वैलिड क्यों नहीं है, HCl पानी के अंदर कैसा बिहेव करता है, एक आयनी कंपाउंड की तरह, और ये टूट जाता है किसमें, H प्लस में और Cl माइनस, इसलिए इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। हाँ तो ये ध्यान रखना चीज का, ये ऐसी कंडीशंस है फॉर हेनरीज लॉ टू बी ओबेड इफेक्टिवली। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन तुमने पढ़ ली होगी, सबने सबने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि नहीं? यस सर, पढ़ ली थी। हाँ सर। एक तो हाँ, इन द प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड, हाँ, सोडा वाटर बॉटल है, उसमें कितना प्रेशर रखना है, कितना कम करना है प्रेशर, कितना ज्यादा करना है, उस टाइप से, या इन द प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, उसमें भी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हेनरीज लॉ को हम यूज करते हैं। तो पहला ये इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स है ना, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, इसमें भी ऑक्सीजन कितने प्रेशर पे कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगी, ये सब देखते हैं हेनरीज लॉ, इधर भी एप्लीकेबल होता है। तीसरा है इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में, इसमें मैंने बताया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, पहले डाइवर्स दे यूज टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता था, तो उससे क्या होता था, डाइवर जब अंदर जाता था तो ऑक्सीजन तो यूज हो गया था, डिकम्प्रेशन, बिल्कुल, जब डाइवर अंदर जाता था तो ऑक्सीजन तो यूज हो गया मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन नाइट्रोजन इट रिमेन्स स्टिल डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, तो बाहर जब डाइवर आता था तो N2 गैस, प्रेशर बाहर नॉर्मल होता था, N2 गैस तेजी से बाहर आने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से डीकम्प्रेशन और बेंड्स, इस तरह से कुछ दिक्कतें आती थी डाइवर्स को। तो अभी हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर दिया, हीलियम को डाल दिया हमने इसके अंदर, जैसे अब हमने 56.2% लिया नाइट्रोजन और क्या कहते हैं 32.1% ऑक्सीजन, जो कि दोनों के, जैसे ये मॉलिक्यूल N2 का डबल मॉलिक्यूल मास है, ये O2 का ही मॉलिक्यूल मास है, और 11.7% क्या ले लिया हीलियम, थोड़ा सा हीलियम हमने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि हीलियम का कोई काम नहीं है, इनर्ट गैस है, तो और इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, बहुत कम, इसकी यही है व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, इट इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, ये इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज याद रखना।
अब डाइवर्स ये कैरी करते हैं, ये सब ने पढ़ा होगा लेक्चर के अंदर, पढ़ रखा ना ये? यस सर, यस सर। फिर उसके हाँ, फिर फोर्थ एप्लीकेशन पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड, हाँ एनोक्सिया, जो लोग हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं यानी हिल स्टेशन वगैरह पे रहते हैं, वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगी। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। तो ये भी आ गई हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। इसीलिए पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड ऑल्सो दे आर जनरली वीक। तो ये इसको बोलते हैं एनोक्सिया, एनोक्सिया सही ना। तो ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, हेनरीज लॉ। ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, हेनरीज लॉ। और सबके नोट्स हैं सबके, नहीं नोट्स बोलो सबके हैं कि नहीं? हाँ तो नोट में ना, तो तुम्हें वो देखूंगा क्वेश्चन देखूंगा हेनरी लॉ के ऊपर, वो क्वेश्चन जरूर करना तुम्हें, वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। अच्छा इसके अलावा वेपर प्रेशर टर्म है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये भी तुमने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ध्यान है कि नहीं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। यस सर। वेपर प्रेशर, ये मैंने बताया हुआ इसके अंदर कि लिक्विड है, ये धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे, ऊपर क्लोज है ये वेपर्स बनेंगे। इनिशियली क्या है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा टाइम के साथ साथ। अब क्या होगा, जब जैसे ही ये वेपर वॉल से टकराएंगे तो दोबारा ये कंडेंस होकर क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे। एक स्टेट ऐसी आएगी जितनी स्पीड से वेपराइज कर रहा है उतनी स्पीड से कंडेंस भी करेगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। उस स्टेज पे जो ये वेपर्स एग्जर्ट करेंगे, वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पे, उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। पता है ना सबको ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और उसके बाद कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, वही फैक्टर, पहला फैक्टर हमेशा कौन सा आएगा, नेचर वाला, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड में फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, वेपर प्रेशर, फोर्स इज स्ट्रॉन्ग तो वेपर प्रेशर कम। जैसे ये एक लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है, ये ए लिक्विड या बी लिक्विड, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, नीचे वाले का। इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, और उसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। दो फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, कम 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 होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये दिया जाता है किससे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से, पढ़ी है ना सबने? यस सर। दो टेम्परेचर से रिलेटेड कभी भी कोई न्यूमेरिकल आया, इस टाइप की इक्वेशन यूज होनी है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, लॉग ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज होता है, बाय 2.33 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। और यहां पे P2 बाय P1 की जगह C2 बाय C1 भी आ सकता है, C2 और C1 होंगे सॉलिबिलिटीज, दोनों टर्म्स हैं, दोनों क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, C2 और C1 भी आ सकता है, वेपर प्रेशर वाली इक्वेशन ज्यादा यूज होती है। This is Clausius-Clapeyron's equation which gives effect of temperature on vapor pressure. T1 temperature पे T1 है vapor pressure, T2 temperature पे P2 है। और एक सेम इक्वेशन इस टाइप की मैं आगे भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, अरेनियस इक्वेशन, वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। और ये तुमने 11th में पढ़ी है इस टाइप की इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन थी ना, log KW2 by KW1, याद आया कि नहीं? हाँ, वो सेम इक्वेशन उसी टाइप, थर्मोडायनेमिक्स वो सेम इक्वेशन है, बिल्कुल बिल्कुल वो सेम उसी टाइप की इक्वेशन है, सही ना। अब जैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी तुमने किए होंगे कि एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, बी का 60 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट है ये, तो तुम बोला कि 65 डिग्री सेल्सियस पे किसके वेपर से ज्यादा हो, किसका वेपर से ज्यादा होगा 65 डिग्री सेल्सियस, बी का, किसका, बी का, बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, वो तो ज्यादा वोलेटाइल होगा ना लिक्विड, तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, याद रहेगा? यस सर। ये टर्म याद रखना जरूर। और वेपर प्रेशर जो है, अभी जैसे मैंने ये है लिक्विड, इसमें मैंने नमक डाल दिया जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो वेपर नहीं बनाएगा,
जिसके वेपर्स नहीं बनते, जिसके वेपर्स नहीं बनते, मान लो कोई लिक्विड सॉल्वेंट था, पानी था, पानी के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उससे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं जा पाए, तो इसलिए वेपर प्रेशर विल रिड्यूस, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं है? यस, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें करने हैं। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, अगर सॉल्यूट अगर क्या है, नॉन वोलेटाइल, जैसे इसके क्वेश्चंस तुमने किए होंगे और जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अमोनिया बॉटल्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाए और स्प्लैश ना करे खुलने पे। बहुत अच्छे ऋषि, ताकि वो स्प्लैश आउट ना करे, जैसे ही हम क्या करें बाहर निकालें उसको, तो इसलिए हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, इन ऑर्डर टू, टेम्परेचर कम करने का पर्पज यही होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर। ऐसे ही बोलते हैं ना, प्याज वगैरह काटने से पहले इनको या तो ठंडे पानी से धो लेना चाहिए या इसको रेफ्रिजरेट कर लेना चाहिए, फ्रीज कर लेना चाहिए, थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए, तो उससे भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे, समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये भी व्हाई अनियंस आर रेफ्रिजरेटेड बिफोर कटिंग, इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर वेपर प्रेशर सो दैट देयर इज लेस टियरिंग इफेक्ट। तो वही वो चाय वगैरह बनाने से भी पहले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पहले डालने चाहिए कि बाद में डालने चाहिए, पूछते हैं बाद में डालने चाहिए जिससे चाय जल्दी बन जाए। हां, बाद में डालने चाहिए ताकि उससे चाय जल्दी बन जाए, पानी जल्दी, हां चाय जल्दी बन जाए, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली लगभग हम इसके उल्टा करते हैं, प्रैक्टिकली सब उल्टा होता है। फिर प्रेशर कुकर कैसे कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है पता है ना? यस सर, वेपर प्रेशर बढ़ा देता है, सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ा देता है, तो इसलिए जल्दी कुक हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल जल्दी हो जाता है, तो इसलिए जल्दी कुक हो जाएगा। चलो ये कर लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और ये पढ़ लेना थ्योरी सारी, ये आगे वाली थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड है, सारी इंपॉर्टेंट है।